सोने और चांदी की कीमतों में विदेशी बाजारों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि घरेलू बाजारों में कल के मुकाबले आज बाजारों में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। विदेशी बाजारों की बात की जाए तो सोना विदेशी बाजारों में आज $1825 पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। $1820 के अहम रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद सोना 1825 पर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां से विदेशी बाजारों में सोना ऊपर में $1840 से $1860 तक अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी में भी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है और विदेशी बाजारों में $23.20 पर चांदी कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि $24 तक चांदी में भी अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर घरेलू बाजारों की बात की जाए तो घरेलू बाजारों के अंदर आज सोने के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है और 47,800 पर सोना फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी भी 62,000 के बेहद करीब है। ऐसे में माना जा रहा है कि सोना और चांदी आज इंट्राडे में खरीदारी की तरफ रह सकते हैं। चांदी की बात की जाए तो चांदी ऊपर में 62,500 तक इंट्राडे में आज ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं सोने की बात करें तो सोना 48,000 तक का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी आज बाजारों के अंदर सोने और चांदी में हल्की खरीदारी बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर क्रूड पर नजर डालें तो क्रूड के अंदर भी कीमतों में एक तेजी का रुझान बनते हुए दिखाई दिया है। लगातार क्रूड की कीमतें निचले स्तरों पर सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही हैं और विदेशी बाजारों में तो ब्रेंट $84 के पार चला गया है। वहीं क्रूड के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और क्रूड का भाव भी $82 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि आज बाजारों के अंदर हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। लाल रंग के साथ विदेशी बाजारों में कच्चा तेल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां से अभी भी बाजारों के अंदर एक पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि वायदा के अंदर कच्चा तेल 6100 के बेहद करीब कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर यूं कहें कि कल जो 6100 का स्तर तोड़ा था आज हल्की वहां से करेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां से उम्मीद यही है कि कच्चा तेल ऊपर में 6200 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कच्चे तेल के अंदर भी निचले स्तरों पर एक बार खरीदारी हावी होती हुई नजर आ सकती है। सोना, चांदी और कच्चा तेल तीनों में ही आज खरीदारी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बेस मेटल पर नजर दौड़ाए तो आज बेस मेटल में भी एक अच्छी रैली बनती हुई दिखाई दी है। बेस मेटल में कॉपर लगातार जो सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसने आज अपना दायरा तोड़ दिया और 740 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के कारोबारी सत्र में भी हमने देखा 756 तक का के आसपास की क्लोजिंग आई, लेकिन कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले हल्की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां से निचले स्तरों से एक अच्छी रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं निकल में भी 1600 के ऊपर निकल चुका है, 1620 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया है। निकल में भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1600 के ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं, वो कारोबारी सत्र में आज भी देखने को मिले हैं और कल के सत्र में भी हमें देखने को मिले थे। वहीं निकल के साथ साथ एल्यूमिनियम में भी तेजी आई है, जिंक और लेड में भी एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल चाइना से मांग निकलने के चलते बेस मेटल्स में एक अच्छी खासी अपसाइड रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देखा जाए तो नेचुरल गैस ने भी एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक दिया है, 2 से 2.25% की तेजी आज भी देखने को मिल रही है। कल भी एक अच्छी रैली आई थी नेचुरल गैस के अंदर। विंटर सीजन की डिमांड के बढ़ते नेचुरल गैस के अंदर प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। अब यहां से नेचुरल गैस हो सकता है कि 380 तक के स्तर छूती हुई दिखाई दे। तो बहरहाल आज सोने चांदी में खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं बेस मेटल में भी आज खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। आज लगता है कि बेस मेटल के अंदर निकल 1640 तक एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं कॉपर में 760 के टारगेट के लिए इसमें बाइंग की पोजिशन लेकर चला जा सकता है।